हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सातवाहन युग। इसमें हमें सातवाहनों के साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो मौर्य थे, मौर्य का काफी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो जो डेक्कन वाला पोर्शन था उनका, जहां पे मौर्य काफी हुआ करते थे, वो ईस्ट में भी थे, वो डेक्कन वाले रीजन में भी थे, वो इधर वेस्ट में भी थे। तो जो डेक्कन वाले एरिया पर जब वो काबिज थे मौर्य, उतने वाला एरिया उसके बाद कौन आए मौर्यों के बाद उस पर? सातवाहन, उस एरिया पर। ठीक है, तो उन्हीं को हमें पढ़ना है। इससे पहले हम आक्रमण के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भी आए थे सेंट्रल एशिया से भारत पर। वो उसमें हमें हमने इंडो ग्रीक को पढ़ा, जो इन्वेजन हुआ था इंडो ग्रीक को पढ़ा। इंडो ग्रीक के बाद हमने जो था शकों को पढ़ा, साइथियन को। उसके बाद हमने पढ़ा पार्थियन को, फिर कुषाण को, फिर ससानी को। ठीक है, तो ये जो मौर्यों का नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था वहां पर ये आए थे, इन्वेजन हुआ था। ये कहां से हुआ था? सेंट्रल एशिया से। ठीक, अब जो डेक्कन वाला रीजन था वो किसके कब्जे में आ गया था? सातवाहनों के, जब मौर्य खत्म हुए थे। ठीक, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके पेड कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे फोन कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू, और इस पे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आप अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको लाभ ये होगा कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन वहां पे दे दिए जाते हैं, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, और जो फ्री स्टडी मटेरियल होता है वही वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो वो चैनल जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, जो डेक्कन और जो सेंट्रल इंडिया, दक्कन और मध्य भारत वाला जो रीजन होता है, वहां पर मौर्यों के बाद जो स्थायी शासन होता है वो होता है सातवाहनों का। और ये 100 वर्षों के बाद होता है, जब मुगलों की समाप्ति होती है, मुगलों का खात्मा होता है, उसके 100 वर्षों के बाद जो है सातवाहन अपना जो है स्टेबल रूल वहां पे स्थापित करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्रा, इन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। दे रूल्ड ऑल टुगेदर फॉर 1300 ईयर्स, तो इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक पूरी तरह से शासन किया। तो एक ये स्थाई रूलर के तौर पर स्थापित किया इन्होंने अपने आप को। जो मौर्यों के पास कभी एरिया हुआ करता था सेंट्रल इंडिया वाला, और ये आपका जो डेक्कन वाला एरिया है वहां पे, तो सेंट्रल वाला कुछ एरिया और डेक्कन वाला कुछ एरिया अभी स्थाई रूप से किसके यहां पास आ जाता है? सातवाहनों के पास। तो 300 वर्ष तक ये फिर वहां पे शासन करते हैं पूरी तरह से। देयर ग्रेटेस्ट कंपिटिटर वॉज शक, तो इनका सबसे जो संघर्ष चलता है सबसे ज्यादा वो चलता है शकों से। शक कौन थे? साइथियन थे, जो किसके बाद आए थे? इंडो ग्रीक के बाद आए थे, सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ वेस्ट वाले फ्रंटियर से, भारत में कब आए थे वो। और फिर उनकी 5 जो शाखाएं थी भारत में फैल गई थी अलग अलग जगहों पे। एक अफगानिस्तान में शासन कर रही थी, एक इधर भारत में पंजाब में, एक मथुरा में, और एक ऊपरी दक्कन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो वहां पे इनकी जो थी, किससे लड़ाई थी? शकों से, शासन के लिए, क्षेत्र के लिए, जो दक्कन वाला क्षेत्र था वहां पर। हु हैड ऑल्सो स्टेब्लिश्ड पावर इन द अपर डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया। तो वही चीज है कि जो शक थे उन्होंने वो भी डेक्कन में पेनिट्रेट कर गए थे। नॉर्थ वेस्ट तक कन्फाइन नहीं थे वो डेक्कन में पेनिट्रेट कर गए थे। तो ऊपरी दक्कन वाला क्षेत्र है वहां पे उनकी एक शाखा जो थी शासन करने लगी थी। अब उनका फिर चूंकि दक्कन में ये भी थे, कौन थे जिसको पढ़ रहे हैं हम, किनको पढ़ रहे हैं? सातवाहनों को। तो सातवाहन भी डक्कन में थे और अभी शक भी ऊपरी डक्कन वाले क्षेत्र में पहुंच गए थे। तो इनका टकराव जाहिर था, और वही हुआ, टकराव हुआ क्षेत्र को लेकर, और ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के रूप में उभरे डेक्कन वाले क्षेत्र में। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहनों के महानतम शासक थे, फर्स्ट
आपसे। उन्होंने शकों को पराजित किया और कई क्षत्रिय शासकों को भी, तो इन्होंने शकों को भी पराजित किया और भी कई जो लोकल रूलर्स थे उनको भी पराजित किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक्सटेंडेड फ्रॉम मालवा इन द नॉर्थ टू कर्नाटका इन द साउथ। तो इनका जब गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइम पे सातवाहनों का विस्तार कहां से कहां तक था, तो देखिए मालवा नॉर्थ में और कर्नाटका साउथ में, इतनी सीमा तक इनका जो था विस्तार था। मालवा पड़ता है सेंट्रल इंडिया में और कर्नाटका बिल्कुल साउथ में पड़ता है। द सक्सेसर ऑफ गौतमी पुत्र रूल टिल 2020 AD, तो 220 ईस्वी तक उसके बाद गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने शासन किया है। हिज इमीडिएट सक्सेसर वशिष्ठ पुत्र पुलमैन, तो उनके जो तात्कालिक उत्तराधिकारी थे उनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमैन। उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो औरंगाबाद जिले के गोदाबद्री में, सॉरी गोदावरी के में पठन या प्रतिष्ठान में कर दी। तो एरिया था गोदावरी जो औरंगाबाद है डिस्ट्रिक्ट, तो उसके पठन और प्रतिष्ठान एक ही नाम है, तो वहां पर अपनी जो थी कैपिटल स्टेब्लिश कर दी इस एरिया में। ही गेव इंपॉर्टेंस टू नेवी, तो उन्होंने नौसेना को बहुत महत्व दिया क्योंकि ये साउथ वाले रीजन में थे, तो तटीय सीमा पर भी इनका शासन था, तो चूंकि तटीय क्षेत्र में भी ये थे तो इस वजह से इन्होंने नौसेना को भी महत्व दिया और इन्होंने जो सिक्के बनवाए। अच्छा ये बात हमें मालूम कहां से चलती है कि नौसेना को महत्व दिया होगा, क्योंकि जो इनके सिक्के मिले हैं उस क्षेत्र से, तो उन सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिले हैं काफी बड़ी संख्या में, अलग अलग प्रकार के जहाजों के, तो मतलब ये जहाजों में काफी इंटरेस्टेड रहे होंगे और नौसेना को इन्होंने मजबूत किया होगा इस वजह से। और भी कुछ जो है मिलते हैं जहाजों के बारे में साक्ष्य। द शक रूलर ऑफ सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र का जो एक काठियावाड़ रीजन था वहां के शासक रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया। तो रुद्रदमन प्रथम को हम पढ़ चुके हैं जब हमने शकों को पढ़ा था, और रुद्रदमन काफी एक जो महान राजा थे शकों के, तो उन्होंने सातवाहनों को हराया 2 बार, इसी वजह से महान राजा कहलाते हैं रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति के पहलू, तो भौतिक संस्कृति में इनका क्या योगदान था या किस प्रकार के भौतिक वस्तुओं का इन्होंने प्रयोग किया था उस टाइम पे। आयरन इंस्ट्रूमेंट वर लार्ज इन नंबर, तो आयरन चूंकि मौर्यों के बाद पूरा वाइड स्प्रेड हो चुका था, हर जगह फैल चुका था, उसको निकालने की और जो आयरन इंप्लीमेंट बनाने की कला है, आयरन जो टूल्स है उनको बनाने की कला है, तो यहां भी जो थे आयरन के खूब उपकरण उपयोग होते थे। दी सातवाहन में हैव एक्सप्लॉयटेड द आयरन ओर, तो इन्होंने आयरन ओर कहां से निकाले, इन्होंने जो आयरन ओर निकाले होंगे वो निकाले होंगे करीमनगर और वारंगल से, ये साउथ वाली रीजन है। दे इशूड कॉइन्स ऑफ लेड, तो इन्होंने लेड के सिक्के भी जारी करे। तो लेड के सिक्के जारी करने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि उधर जो साउथ वाला रीजन है वहां पे ओर मिलते हैं, ये लेड मिनरल जो ओर जो है वो वहां पे मिलते हैं साउथ वाले रीजन में, तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होगा उसको, निकाला होगा और उससे सिक्के बना दिए। दे एक्सप्लोइटेड द मिनरल रिसोर्स ऑफ डेक्कन, तो डेक्कन में काफी मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं, आंध्र में कर्नाटका में काफी जगहों पर, तो वहां से इन्होंने जो है मिनरल के रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया डेक्कन के, काफी एक्सप्लॉइट किया है। अकॉर्डिंग टू प्लिनी द आंध्र किंगडम मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी, तो प्लिनी के अनुसार आंध्र जो राज्य था जो ये सातवाहन थे उनके पास एक विशाल सेना थी, बड़ी सेना थी, तभी तो 300 साल तक शासन किया, बड़ी सेना ही होगी। इन फॉरेन अकाउंट आंध्र इज कंसिडर्ड टू बी फेमस फॉर इट्स कॉटन प्रोडक्ट, तो विदेशी जो कुछ विवरण मिलते हैं, विदेशी जो लेख मिलते हैं उनके अनुसार जो आंध्रों की विशेषता बताई गई है कि वो जो थे कॉटन के प्रोडक्ट में काफी आगे थे, जो कपास के उत्पाद हैं उनके वो बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे, ठीक है, उनके लिए काफी प्रसिद्ध थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत हाई, कृषि उत्पादन भी खूब अधिक था उस टाइम पे, फर्टाइल रीजन इनके पास हुआ करता था, नदियों के किनारे का जो फर्टाइल रीजन है वहां पे खूब प्रोडक्शन होता था। दी वर्ड ब्रिक रिंगवेल्स द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो पकी हुई ईंटे का उपयोग वाइड स्प्रेड था पूरे में होता था,
छल्लेदार कुएं भी थे और लिखने की कला भी विकसित थी प्रॉपर। एक्सटेंसिव ग्रोथ इन ट्रेड, व्यापार में व्यापक वृद्धि थी। सेबरल क्राफ्ट फ्लरिश्ड, कई शिल्प भी फले फूले थे, अलग अलग प्रकार के शिल्पकार हुआ करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी जो सोसाइटी थी काफी समृद्ध थी, काफी डेवलप थी। कृषक भी हैं, प्रोडक्शन भी खूब हो रहा है और शिल्प भी फल फूल रहे हैं और आपका पकी हुई ईंटों का उपयोग भी हो रहा है, तो मतलब आर्किटेक्चर भी अच्छा रहा होगा। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो इससे हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी उस टाइम की अच्छी खासी थी, समृद्ध थी सातवाहनों की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन कैसा था? सातवाहन सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म, तो सातवाहनों ने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया। अच्छा, इससे पहले वाले टाइम पे जब उदय हुआ था किसका, बुद्ध का और जैनिज्म का, तो उस टाइम पे साउथ वाले रीजन में ये ब्राह्मणवाद कुछ था ही नहीं, और फिर उसके बाद भी बहुत टाइम तक नहीं रहा। तो जैन जब धर्म का उदय हुआ था तो जैन जो था साउथ वाले रीजन में उसने खूब तरक्की की, क्योंकि वहां पे इतना ब्राह्मणवाद था ही नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे सातवाहनों ने वहां पे ब्राह्मणवाद डेवलप कर दिया और फिर वहां पे खूब ज्यादा प्रिविलेंट हो गया, प्रचलित हो गया ब्राह्मणवाद, खूब आगे तक बढ़ गया है। ठीक है, तो सातवाहनों ने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया। पहले यहां ऐसा नहीं था, पहले इधर नॉर्थ वाले रीजन में ब्राह्मणवाद पूरा था फुल, साउथ में देर में आया है लेकिन आया बड़ा जो है पूरा प्रॉपरली है। सातवाहनों ने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया और उन्होंने ब्राह्मण होने का दावा किया। तो उन्होंने दावा किया कि ये जो है ब्राह्मण के ब्राह्मण है और इनका ओरिजिन ब्राह्मणों से ही हुआ है। गौतमी पुत्र वोस्टेड डेट ही वॉज द ट्रू ब्राह्मण, तो गौतमी पुत्र ने दावा किया कि वही सच्चा ब्राह्मण है। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते थे, खुद को ब्राह्मण बताते थे, तो जो भी इनके शासन में ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उनको फ्री में लैंड देते थे, ग्रांट देते थे। और इस टाइम पे व्यापार में काफी व्यापक वृद्धि हुई थी, हमने देखा ही था अभी पिछली स्लाइड में। देयर वर मेनी मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, व्यापारी और कई कारीगर भी थे। इसको काट दीजिए। मैट्रिलिनियल सोसाइटी स्ट्रक्चर, मात्र सत्तात्मक सामाजिक संरचना, तो मतलब ये जो है महिलाओं को बहुत महत्व देते थे और जो भी राजा होते थे अपनी माताओं को बहुत महत्व देते थे। तो यही कारण था कि जो इनके नाम होते थे उसके आगे माता के नाम का भी प्रयोग करते थे। तो अभी आपने इनके राजा का नाम पढ़ा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी किसका नाम होगा, इनकी माता का नाम रहा होगा, ठीक है ना, तभी इन्होंने लगा लिया उसको अपने नाम से आगे प्रीफिक्स में गौतमी। तो ऐसे कई राजा रहे हैं इस सातवाहनों के जो अपनी मदर का नेम यूज करते थे, यूटिलाइज करते थे अपने नाम में, तभी कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत महत्व दिया जाता था। ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखिए, गौतमी पुत्र, उसके राजा का नाम उसकी माँ के नाम पर रखने का रिवाज था। लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकारी पुरुष ही होता था, तो ये बात थी, ये नहीं था कि सिंहासन पर महिला बैठेगी। महत्व दिया जाता था, सब कुछ किया जाता था प्रॉपरली, उनकी बात मानी जाती थी, सलाह ली जाती थी, बहुत ज्यादा उनको जो थी महिलाओं के प्रति सम्मान था। जैसे नाम ही आप देख लीजिए, पिता का नहीं यूज कर रहे हैं, माता का नाम यूज कर रहे हैं अपने नाम में, तो लेकिन सिंहासन पर जो था पुरुष ही बैठता था। ठीक है, उत्तराधिकारी पुरुष ही होता था। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक ढांचा, उस टाइम पे कैसा प्रशासन था देख लेते हैं। तो देखिए, सातवाहन जो किंग हैं उनमें क्वालिटीज बताई जाती थी कि ये मिथिकल हीरोज जो होते थे, राम, भीम, केशव, अर्जुन, इनकी क्वालिटीज उनमें बताई जाती थी कि ये क्वालिटीज हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, राम की जैसी क्वालिटी तो शायद ही किसी में हो सारी क्वालिटीज, लेकिन ऐसा उस टाइम पे ये अज्यूम करते थे, जो वर्णन करते थे लोग, जो लेखक होते थे उस टाइम के, तो वो ये बोलते थे कि इनमें ये क्वालिटी है, मतलब आडंबरपूर्ण गुणों को बताते थे, यार आडंबरपूर्ण टाइटल उनको देते थे, पोम्पस टाइटल। दी सातवाहन रिटेन सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अशोकन टाइम, सातवाहनों ने अशोकन काल की कुछ प्रशासनिक इकाइयों को बनाए रखा, तो कुछ चीजें इनको अच्छी लगी होंगी अशोक के प्रशासन की, तो उसको इन्होंने जारी रखा, कंटिन्यू रखा। देयर डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड आहार, तो उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आहार बोला जाता था, जो यूनिट होती थी डिस्ट्रिक्ट उसको आहार बोला, जैसा कि अशोक के समय में जाना जाता था उनके अधिकारियों को अमात्य और
महामात्य के रूप में जाना जाता था। तो उनके जो अधिकारी होते थे उसको अमात्य और महामात्य के रूप में जाना जाता था। तो यह ध्यान रखिएगा बात आप कि सातवाहनों के अधिकारियों को अमात्य और महामात्य, जैसा कि मौर्य काल में होता था, उस टाइम भी यही अमात्य महामात्य के नाम से जाना जाता होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर ऑल्सो कॉल्ड राष्ट्र, तो प्रशासनिक जो प्रभाग होते थे उसको राष्ट्र भी कहा जाता था, और उनके उच्च अधिकारियों को कहा जाता था महाराष्ट्रिक। ठीक है, महाराष्ट्रिक। तो ये चीजें बस ध्यान रखिएगा आप, जो भी स्पेशल नाम होते हैं, जैसे जिले को बोला जा रहा है अहार, अधिकारियों को बोला जा रहा है महामात्य, ठीक है, अमात्य या महामात्य, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उनको क्या बोला जा रहा है, महाराष्ट्रिकास, ठीक है, महाराष्ट्रिक। तो ये सब चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा, ये कभी मैचिंग में, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं। दे इंक्रीज फ्यूडेटरीज, तो इन्होंने सामंतों की संख्या बढ़ा दी, फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया। सेनापति वॉज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर, सेनापति को प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया। विलेज हेड गोलमिका, तो ग्राम प्रधान होता था उसका नाम क्या होता था, गोलमिक, ठीक, विलेज हेड गोलमिक। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, और फ्यूडेटरी इन्होंने इंक्रीज कर दिए थे। सामंत होते क्या है, सामंत ये होते हैं कि कोई मान लीजिए इन्होंने पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है साम्राज्य में, उसको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया, पर्टिकुलर लैंड दे दिया, बोला कि आप इस पे अपनी अथॉरिटी रखिए और अपनी एक सेना मेंटेन रखिए यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने डिवीजन कर दिया और अलग अलग लोग भेज दिए वहां पे, जो भी इनके हायर ऑफिशियल होते थे या कुछ जो डायनेस्टी के लोग होते थे, हायर पीपल होते थे, प्रिंसेस टाइप के, ठीक है ना, मतलब एलीट पीपल जो होते थे। और वो उनका काम क्या होता था, एक सेना मेंटेन रखते थे। जैसे एक व्यक्ति को एक यूनिट दे दी लैंड की कि आप इस पर जो है सब कुछ देखिए और एक अपनी सेना मेंटेन रखिए, तो वो 2,000 2,500 जितने लोगों की भी सेना थी वो प्रॉपर मेंटेन रखता था और वही सब उसका खर्चा वर्चा चलाता था, जो भी फ्यूडल लॉर्ड होता था। और जरूरत आने पर वो जो है सेना जाती थी, जब मेन अथॉरिटी उसको बुलाती थी, राजा वगैरह जो भी है बुलाता था उसको। तो इसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। तो ये इन्होंने इंक्रीज कर दी थी विलेज। हाँ, तो कहां थे हम, विलेज हेड को क्या बोलते हैं, गोलमिक, ठीक है, गोलमिक। नाम हालांकि थोड़े कठिन है लेकिन आप ध्यान रखने की कोशिश करिए पूरी, ठीक, बार बार रिवीजन करिए, उसी से ध्यान हो जाएंगे। दी सातवान स्टार्टेड दी प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जैसा मैंने बताया कि जो सातवान है उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बोला था, और ब्राह्मण बोला था ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते थे। अब जब ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते थे तो ब्राह्मण को लैंड भी फ्री देंगे, लैंड ग्रांट फ्री देते थे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज इन्होंने और करी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे उनका भी सम्मान किया, उनको भी फ्री लैंड देने लगे ग्रांट में, ठीक है, फ्री। और इन इसकी विशेषता क्या होती थी लैंड की, कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी शाही सैनिक जो होते हैं या राजकीय जो अधिकारी या सैनिक कुछ भी होते हैं वो हस्तक्षेप करने जाएं, वो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल जो है फ्री होगा ये किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस से। तो बुद्धिस्ट मॉन्क को भी दिया, साथ ही साथ ब्राह्मण पुरोहितों को भी इन्होंने लैंड ग्रांट दिया। तो मतलब एक यहां से क्या सिद्ध होता है कि एक प्रकार से ये टॉलरेंट थे बुद्धिज्म के भी लिए, ठीक है, सहिष्णु थे बुद्धिज्म, ये नहीं कि ब्राह्मण है तो बुद्धिस्ट को मार डालेंगे या वो नहीं करेंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे सही, उनको भी ये लैंड ग्रांट दे देते थे। रिलीजन उस टाइम पे धर्म, ये तो दो तीन बार देख चुके हैं हम कि ब्राह्मण थे ये सातवां रूलर, पर ब्राह्मण वैदिक, जब ब्राह्मण होंगे तो रिचुअल्स को भी जो है परफॉर्म करेंगे, तो ये वही करते थे, रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स वही पुराने वाले वैदिक टाइम वाले देख चुके हैं हम, कौन कौन से थे, अश्वमेध थे, बाजपेय था और राजसू, तो ये सारे वो परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप ए लार्ज नंबर ऑफ वैष्णव गॉड सच एस कृष्ण वासुदेव, तो जो वैष्णव गॉड होते थे कौन कौन से, कृष्ण वासुदेव, उन सबकी इन्होंने जो थी पूजा की, अर्चना की, और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये नहीं है कि बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण है तो फिर दूसरे धर्म को बढ़ने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे, इन्होंने उसको भी संरक्षण दिया। अभी पीछे स्लाइड में हमने देखा लैंड ग्रांट दिए, जो फ्री भूमि होती है वो दी। नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती,
तो ये दो प्लेसेस थे, नागार्जुन कोंडा, अमरावती काफी फेमस है, अमरावती का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, और नागार्जुन कोंडा, तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। और ये जो थे उस टाइम के बुद्ध के, जो बुद्ध बौद्ध संस्कृति है उस टाइम के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे बौद्ध संस्कृति के, सातवाहनों के अंडर में ये लिखा हुआ है। स्थापत्य जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, उसको देख लेते हैं। मैनी चैत्य एंड मोनास्ट्रीज वर कट आउट ऑफ द सॉलिड रॉक इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन और महाराष्ट्र। तो रॉक में से, रॉक में कारीगरी करके पूरा चैत्य बनाए गए थे। चैत्य क्या होते थे, एक प्रकार से जो पवित्र मंदिर होते थे, और मठ क्या होते थे, वो रहने वाले होते थे, जो मॉन्क वगैरह हैं, प्रीस्ट हैं, उनके रहने की जगह, तो वो उनको बोलते थे बिहार। तो उनको जो चट्टाने होती है ना, ठोस चट्टाने, उसी में से काट काट के बनाया गया था। द चैत्य वॉज ए लार्ज हॉल विद ए नंबर ऑफ कॉलम एंड बिहार कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रल हॉल। तो चैत्य क्या होता था, चैत्य एक विशाल कक्ष होता था जिसमें कई स्तंभ होते थे। अब कोई विशाल कक्ष बनाया जाता है तो वो टिकेगा किस पे, खूब सारे स्तंभ होंगे ना, उसी पे तो लिंटर टिकेगा, तो इसीलिए स्तंभ होते थे खूब सारे। और बिहार एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें, जिसके सामने के बरामदे से प्रवेश द्वार था जिसका, इसमें जो आराम करते थे जो भी मॉन्क या फिर प्रीस्ट होते थे, ठीक है। तो ये होती थी केंद्रीय शाला, और बरामदे से द्वार होता था इसका। दी स्तूप वॉज ए लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर सम रिलिक ऑफ बुद्धा। तो स्तूपों के अवशेष मिले हैं, बुद्ध के कुछ अवशेषों के ऊपर स्तूप बने होते थे। तो बुद्ध के अलग अलग जगहों पर ऐसा एज्यूम करा जाता था कि अवशेष हैं, कहीं पे बुद्ध का कोई जो उन्होंने यूज किया होगा अपने जीवन में, कुछ भी कपड़ा या कोई भी जो पहनने के लिए कुछ भी यूज करते होंगे चीजें, वो वस्त्र, तो वो कहीं गड़े होते थे, तो उसके ऊपर जो है स्तूप बना दिए जाते थे। तो यहाँ इस टाइम के मिले हैं स्ट्रक्चर की, इस टाइम में बने थे वो स्तूप। स्तूप होता क्या है, एक बड़ी गोल संरचना होती है। लैंग्वेज, भाषा कौन सी थी उस टाइम पे, दी प्राकृत काफी कॉमन थी उस टाइम पे, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, इन्होंने आधिकारिक भाषा करी थी प्राकृत भाषा। ऑल देयर इंस्क्रिप्शन वर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो प्राकृत को काफी बढ़ावा दिया था, तो सारे जो इनके शिलालेख थे इसी भाषा में रचे गए थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो लिपि कौन सी यूज करी थी, ब्राह्मी, और भाषा कौन थी प्राकृत, ध्यान रखिएगा सातवाहनों की। एक प्राकृत पाठ जिसे गथा सप्तसई या गथा सप्तसई कहा जाता है, उसको एक हाल नामक सातवाहन राजा था उसने लिखा था, उसकी रचना बताई जाती है, ध्यान रखिएगा ये भी फैक्ट है। गाथ सतासई और गाथ सप्तसई एक ही नाम है, इसको करा था हाल ने, ठीक है। काफी लंबे लंबे होते हैं ये साउथ वाले नाम, प्रोनाउंस करना मुश्किल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हमने सातवाहनों के बारे में ब्रीफली पढ़ा कि कौन थे और कैसे उनका प्रशासन था, कौन राजा हुए और कैसा उस टाइम पे सोसाइटी थी। तो ये महिलाओं को काफी महत्व देते थे, जैसे हमने देखा गौतमीपुत्र सतकर्णी अपनी माताओं का के नाम का प्रयोग करते थे अपने नामों में, और प्रशासन भी काफी अच्छा था, कला शिल्प काफी वेल डेवलप्ड थी, और ब्राह्मण थे ये लोग, ब्राह्मणवाद को संरक्षण देते थे, साथ ही साथ बुद्ध धर्म को भी संरक्षण देते थे। तो ये सब बातें हमने पढ़ी हैं आज इस चैप्टर में। और चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए जो है गुड बाय।